हाँ, महाराष्ट्र के क्राइम ब्रांच से सब इंस्पेक्टर नवनाथ देवकांते अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ आए थे और गांधी मैदान थाना में आकर उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उन्होंने निवेदन किया कि राजस्थान के डूंगरगढ़ बीकानेर के रहने वाले कन्हैया लाल शर्मा उर्फ राजेंद्र शर्मा, जो यहाँ सलीमपुर अहरा में वर्तमान में रह रहे हैं और संभवतः जैसा कि जानकारी मिल रही है कि हवाला कारोबार से जुड़े हुए थे, उनको उनके घर पर छापेमारी करनी है और गिरफ्तार करना है। तो उनके रिक्वेस्ट पर गांधी मैदान थाना के पुलिस निरीक्षक ने अपने पुलिस पदाधिकारी को वहाँ भेजा सलीमपुर अहरा में, और वहाँ पहुँचने के पश्चात महाराष्ट्र पुलिस गांधी मैदान थाना के पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से सलीमपुर अहरा में कन्हैया लाल शर्मा और राजेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1,38,000 रुपया बरामद किया एवं साथ में 3 मोबाइल सेट भी बरामद किया। और जैसा कि पता चल रहा है, आप लोग के माध्यम से भी पता हमको चला कि वे हवाला के कारोबार से जुड़े हुए थे और फिर उनको महाराष्ट्र पुलिस यहाँ से यहाँ व्यवहार न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए महाराष्ट्र के लिए लेकर के निकल चुकी है। अब जैसा कि जानकारी मिल रही है कि यहाँ इनके 2 साथियों की वहाँ गिरफ्तारी हुई थी और उन्हीं के बयान के आधार पर महाराष्ट्र पुलिस ने इनको पकड़ा है। और ये सलीमपुर अहरा के रहने वाले नहीं थे, ये राजस्थान स्थित डूंगरगढ़ बीकानेर के रहने वाले थे और यहाँ के रहने वाले नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से यहाँ रह रहे हैं।